ट्रेन आने वाली है, अलाउ नहीं है इससे ज़्यादा ब्लॉग नहीं करूँगा यहाँ पे, तो ट्रेन आके जबलपुर पहुँचने के बाद वापस आपको बताते हैं, है ना? ठीक है, और कुछ बोलना है? अब कैमरा खुलेगा नेक्स्ट। ऐसा लग रहा है मुझे कि कुछ दिनों बाद अश्विनी का भी ब्लॉगिंग चैनल हो जाएगा। मैं भी सोच रहा हूँ स्टार्ट कर लूँ। गुड मॉर्निंग, और जबलपुर हम पहुँचने वाले हैं, और जो रात बीती है हमारी, इतनी ठंड, आप यहाँ से देख लो, फॉग, इतनी ठंड थी कि अश्विन बताएगा ठंड कितनी थी। यही रात अंतिम भारी, समझ सकते हो इस गाने से मतलब? अश्विन का मतलब था कि आज ये रात अंतिम है, बहुत भारी भी है, अगर बच गए तो ठीक है, वरना तो गए। बहुत ठंड पड़ रही है, मुझे लगता था केवल जयपुर में पड़ती होगी, यहाँ तो डबल है यार। -5 कहाँ गया? ये -5 degree तक सह सकती है ठंड, लेकिन शायद ये फेल हो गया आज। इसकी जो जैकेट है वो -5, और जो मेरी जैकेट है ये 0 degree है, 0 degree। सब फेल। कटनी पहुंच चुके हैं, जा रहे हैं जबलपुर। अब जबलपुर पहुंचने के बाद बाइक देखेंगे किस हाल में, फ्रेंड के यहाँ से उठाएंगे बाइक, सर्विस कराएंगे, फिर देखते हैं आगे क्या करना है प्लान। सो हम लोग पहुंच गए, और डोमिनार का वो देख के बहुत ही बुरा लग रहा। हालत ख़राब है इसकी, धुलवाना पड़ेगा। तो कुछ देर से मिलते हैं, सर्विस कराते हैं इसकी। अभी मैं तकरीबन 1 महीने हो गए होंगे, चाबी लगा के देखता हूँ बैटरी बची है क्या। बैटरी तो है यार, बैटरी तो है यहाँ, देख सकते हैं आप, 2 महीने से गाड़ी खड़ी लगी, सिर्फ बैटरी अभी डाउन नहीं हुई है। वो भाई न्यूट्रल करो, बाइक तो स्टार्ट हो गई एक बार में। अभी एक्चुअली मैं हेलमेट भूल गया, हेलमेट लेके आता हूँ। बाइक स्टार्ट होने से ना बहुत रिलीफ मिला, यहाँ पे 1.5 महीने हो गए तकरीबन, बाइक सेल्फ में स्टार्ट हो गई, तो मेरे लिए तो बहुत बड़ी बात है। अब इसको थोड़ा सर्विस करवा देते हैं, चैन ल्यूब वगैरह, और फिर देखते हैं क्या सीन है, निकलते हैं जल्दी। और हो सकता है आज ही निकले, क्योंकि बाइक स्टार्ट हो गई तो अब रुकने का सीन बनता नहीं है। आज इस बार आपको वीडियो में पक्का डाल दूंगा, मैं उस दिन ना रिकॉर्ड करके भूल गया। चैनल भी है आपका? चैनल भी है, नाम बोलो। एबी गेमिंग। कौन सा गेम खेलते हो? फ्री फायर खेलते हो? चलो आज से सब जो भी देख रहा है वीडियो सब्सक्राइब कर देगा, ठीक है आपका? हाँ।
सो मैं ये वॉइस ओवर कर रहा हूँ। और अभी मैं अश्विन को उसके दादाजी के घर छोड़ के आया, वो यहीं रहते हैं, वो काफ़ी सालों से यहाँ पे नहीं आया था, तो उसने बोला कि मुझे जाना है, तो उसको यहाँ छोड़ के अब चल रहे हम सर्विस सेंटर बजाज के, और देखते हैं कि वहाँ पे सर्विस हो पाती है कि नहीं, क्योंकि आज 26 जून है और शायद ही वर्कर्स अवेलेबल हो। मेरा काम तो नहीं हो पाया, वर्कर्स अवेलेबल नहीं है, सब छुट्टी पे हैं, बस सर्विस सेंटर ओपन है, तो अब तो सर्विस नहीं हो सकती। क्लीन करा लेते हैं बाइक, काफ़ी गंदी हो रखी है, तो चलिए देखते हैं कोई मिल जाए क्लीन करने वाला। चैन क्लीन में लिया था हाल ही में, इसको चैन क्लीन करवा लेंगे। सो गुड मॉर्निंग दोस्तों, और आज है 27 जून और आज हम निकल रहे हैं जयपुर के लिए। अभी बस गाड़ी धुलवाई थी, कल धुलवा दी थी और रात में रुक गए थे, एक्चुअली निकलने में लेट हो गया, सुबह निकलना था 6 बजे 5 बजे उठ के, बट मेरा अलार्म पता नहीं क्या हो गया, बजा ही नहीं और मैं काफ़ी लेट हो चुका हूँ। अभी बज रहा है इस वक्त 9, गाड़ी रेडी हो चुकी है, बैग वहाँ भी है, थोड़ा फ्यूल फिल कर लेते हैं क्योंकि थोड़ा मुझे इंडिकेशन जो लेवल है फ्यूल का कम दिखा रहा है, इंजन ऑयल, एक्चुअली इंजन ऑयल, और अभी चैन भी लूप करना है, तो दोनों काम करते हैं, दोनों काम करके निकलते हैं। अश्विनी है अपने दादाजी के यहाँ, तो सबसे पहले वहाँ जाएंगे, उसको पिक करेंगे, फिर इधर निकलेंगे। सो आई होप कि आपको डैश कैम का जो वीडियो अभी आपको दिख रहा होगा अच्छा लग रहा होगा, क्योंकि ये मेरा फर्स्ट टाइम है जो कि मैं कैम लगा के राइड करने वाला हूँ। इससे पहले भी राइड की थी बट मैंने कोई भी एक्शन कैमरा नहीं लगाया था, तो मेरा भी ये फर्स्ट एक्सपीरियंस है। आई होप कि आपको अच्छा दिख रहा होगा, तो अब निकलते हैं, अश्विन को पिक करना है ना, फिर उसके बाद निकलते हैं यहाँ से। सो झांसी का मैप मैं सेट कर रहा हूँ, आज झांसी तक का टारगेट रखते हैं, यहाँ से तकरीबन 400 कुछ किलोमीटर है, देखते हैं। अब यहाँ तकरीबन 10 बज रहे हैं और निकलते निकलते और थोड़ा लेट होने वाला है,
अभी हेलमेट भी लेना है रास्ते में, देखते हैं। अभी यहाँ तकरीबन 10 बज रहे हैं और निकलते निकलते और थोड़ा लेट होने वाला है। अभी हेलमेट भी लेना है रास्ते में अश्विन के लिए। मैंने 2-3 रूट्स देखे थे, जो मुझे एक सही लग रहा है वो झांसी पहुँच के, झांसी या फिर शिवपुरी डायरेक्ट निकल गए। जबलपुर से जस्ट थोड़ा बाहर निकला ही हूँ, बहुत सारा फॉग मिल रहा है यहाँ पर। विजिबिलिटी तो है बट ज़्यादा नहीं है, आराम आराम से चलेंगे। बहुत ज़्यादा फॉग है, मतलब मैं अभी हील पे हूँ और उस साइड कुछ भी नहीं दिख रहा है। आपको रुक के दिखाता हूँ। अभी हम सागर से क्रॉस होके रुके हैं और भूख बहुत ज़्यादा लग रही थी, तो अभी कुछ खाते हैं और अभी हम चले होंगे 180 समथिंग चले होंगे, और अभी झांसी का टारगेट है। झांसी पहुंचने के बाद वहां से शिवपुरी वाली हाईवे पकड़ेंगे और जयपुर के लिए निकलेंगे, तो देखते हैं। अभी तक तो बाइक को चला रहा था अश्विन, अब थोड़ा मैं चलाऊंगा। अश्विन हेलो, कैसा लगा गाड़ी चला के? मैंने लाइफ में कभी नहीं चलाई 100 की स्पीड। अश्विन को पता नहीं चल रहा था, अश्विन 100 पे पहुंच चुका था। जब मुझे हवा लग रही थी इतनी तेज, तब मुझे एहसास हुआ कि लगता है 100 पे है। मैंने तो सही है, एक्सपीरियंस करना चाहिए, और इतनी स्पीड हाईवे पे ही मेंटेन हो सकती है, सिटी में तो पॉसिबल नहीं है। पेट हो चुका है फुल, पेट्रोल भी कम हो गया, तो हमने तो खा लिया, बाइक को भी खिला देते हैं कुछ, अगला कोई पेट्रोल पंप आएगा तो रोकते हैं। बजाज की है जी, बिग ड्रीमर नहीं, वो मेरा चैनल नेम है। फ्यूल अप हो गया है, अब निकलते हैं तेज़ी से क्योंकि बहुत लेट हो चुके हैं हम लोग, अभी काफ़ी डिस्टेंस कवर करना है। अब हमने कितने कवर किलोमीटर कवर कर लिया भैया? 274 किलोमीटर हो गए। 274 हो गए, तो आज का स्टे मुझे लग रहा है शिवपुरी में होगा। अच्छा, शिवपुरी में? हाँ, उससे ज़्यादा तो नहीं खींच पाएंगे। ठीक है, तो अब शिवपुरी निकलते हैं। उससे पहले मैं आपको कुछ नज़ारा दिखाना चाहता हूँ। हम बेतवा नदी के ऊपर खड़े हैं और
यहाँ का जो सनसेट था वो बहुत ही शानदार था, अभी सन तो सेट हो गया। इतना खूबसूरत नज़ारा ऐसा कुछ। फटाफट निकलते हैं क्योंकि ये सीन देखते देखते ना लेट हो गए हम बहुत ज़्यादा, तो निकलते हैं है ना। ठीक है, हेलमेट दे दे। दे नहीं रहा बाइक यार चलाने को मैं चलाऊंगा जयपुर तक। मैं चलाया एक बार 50 किलोमीटर चलाया, एक बार 85, और ये भाई साहब ने जबलपुर से अभी तक 150-200 के आसपास तकरीबन खींच दिया अकेले ही। गजब आदमी है यार। तो अब भी हम पहुंच चुके हैं शिवपुरी और काफ़ी हमने खींचा, मतलब खींचा क्या मतलब, चाहते तो इससे ज़्यादा निकाल सकते थे एक दिन में 1 किलोमीटर, मतलब क्या बोल रहा हूँ टेक टू। सो इस वक्त अभी हम हैं शिवपुरी में और यहाँ पे हमने एक ओयो लेके सस्ता सा 8-9 है और हम थक गए। मेरे बेसिकली ये बाकी हमारा और भी चलने का प्लान था बट अभी हम उतना नहीं चल पाएंगे, हालत ख़राब हो गई थी ठंड से। सो कल हम सुबह निकलेंगे और अभी हम कुछ ऑर्डर कर रहे हैं, सिंपल खाना, दाल तड़का, रोटी, चावल, सैलेड, है ना सुनी? हाँ बिल्कुल, ज़्यादा भारी मत मिलना है, सुबह जल्दी भी उठना है, जयपुर के लिए निकलना है। अच्छा और इस वाले कौन से रोड से चलना है अपन को, ये देख लिया अपन ने, मैप देखा अपने सुबह का? हाँ देख लिया। ठीक है, सब रेडी है? सब रेडी है। तो इतना सामान हम कैरी कर रहे हैं ये और ये भी, और आज मैंने 200 किलोमीटर बाइक चलाई 90 अबो स्पीड में, लेकिन ये एडिट कर देना ठीक है, ये बता रहा हूँ मेरे पापा को। अभी अश्विनी के पापा कॉल आया कि कहाँ हो, तो बताया हम लोगों ने शिव यहाँ पे शिवपुरी में, तो अश्विनी पापा बोलते हैं मतलब इसका मतलब तुम लोग 10 बजे चले तो 100 की स्पीड में तो चले होगे तुम लोग 90-100 तो आए हो। अश्विनी बोला नहीं हम लोग 70-60 आए हैं। अश्विनी के पापा से भी मिलवाएंगे कभी आपको, बहुत मज़ेदार इंसान है बहुत फनी है। और तो यार अभी आज के लिए इतना ही रखते हैं, थक गए हैं, निकलते हैं कल सुबह, जल्दी से खा पी के सो जाऊंगा मैं, और ठंड लग रही है और ये रूम सस्ता के चक्कर में इतना ज़्यादा सस्ता है कि पूछो ही मत, मतलब रेट तो बताऊंगा नहीं तो आप बोलोगे कि बट काम चला हुआ रूम है, रात गुजारनी थी, आप रेट का अंदाज़ा लगा सकते हो इससे। हाँ तू जाएगा लेने है? जा भाई तू ठंडा हो रखा है बढ़िया, जा मैं गरम हो गया। जाना वाला ड्यू लेके आ जाएगा रूम पे ही। कैसे क्या होता है, यहाँ से ऑर्डर चाबी में नंबर लिखे हुए हैं, कॉल करो उसको वहां से। इंसानों की क्या हुआ यार, मुझे ना मैं सोच रहा इंटरकॉम की दे रहे किससे कॉल करूँ, फिर देख ओ चाबी में मोबाइल नंबर है, इतना सस्ता होटल करो। हाँ भैया 202 से बोल रहा हूँ। अच्छा पहले उसको बताओ हम आपकी होटल में रुके हैं, 202 से बोल रहे हैं। अरे फोकस क्यों नहीं ले रहा बार बार। 470 किलोमीटर चल चुके हैं, 470 किलोमीटर हम कवर किए हैं आज, और 470 में 70 मैंने चलाया, 480 में चलाया। भाई साहब ये बाइक देने का नाम ही नहीं ले रहा। मजा, पहली बार स्पोर्ट्स बाइक चलाई है यार, मजे आ गया। भाई ये मैं डालना है पहली बार यार। तो मिलते हैं सुबह, बाय।